और इधर विष्णु अग्रवाल से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने टाउन सीईओ अमित भगत को दस्तावेज के साथ ईडी कार्यालय बुलाया और मामले में जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी ली। आप बता दें आपको कि अमित भगत को ईडी ने न्यूक्लियस मॉल और सेना से जुड़े जमीन मामले में दस्तावेज की जानकारी हासिल करने के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। करीब 6 घंटे तक टाउन सीईओ ने ईडी को जानकारी दी और वापस लौटे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।